हो चुके हैं हम डीडी नेक्स्ट का सेल्फी नहीं कर भाई साहब, वीडियो डन हो चुकी है इसकी अंदर के। आपका लोअर वाइजर आ गया, साइड की मोल्डिंग आ गई, कैमरा आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्स संगीत भाई। और हमारी गाड़ी जो है आ चुकी है, तो उसी पीडीआई हो रही है, उसमें एक्सेसरीज इंस्टॉल कराने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी ये वाला वीडियो जो है डिलीवरी वाली वीडियो के बाद आएगा, तो फिलहाल चलते हैं और करते हैं उसकी पीडीआई और एक्सेसरीज इंस्टॉल। तो पहुँच चुके हैं हम डीडी नेक्सा पे, आप देख सकते हैं बैक साइड में, और हमारी गाड़ी जो है सामने खड़ी है बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ आपको, ले रही है अपनी गाड़ी। फिलहाल भाई पीडीआई करेंगे इसकी, उसके बाद सारा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको, कौन कौन सी एक्सेसरीज है, कितने रुपए में हमने खरीदी हैं, सभी चीज़ें बताऊंगा बाद में। चलो ये अंदर चलते हैं। अब तो ये आ चुके अंदर सेल्फी नहीं कर भाई साहब, एक महीना लगा दिया पूरा गाड़ी मंगाने में। लेकिन एक चीज़ है, हमारी वाली जो है फेसबुक बोल है, इतना टाइम क्यों लगा उसके बारे में बताएंगे आपको। राहुल भाई साहब बताओ भाई, क्यों टाइम लगता है इतना गाड़ी को आने में? नहीं, जिस तरीके से आपने गाड़ी जब बुक की, उसके बाद जब गाड़ी का चेसिस नंबर मिलता है हमें, चेसिस नंबर मिलने के बाद गाड़ी, जैसे अभी XL6 जो है वो गुड़गांव के पास से आ रही है, तो चार से पाँच दिन में मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं। इसमें वो दो दिन में, एक दिन में या तीन दिन में भी गाड़ी आ जाती है। मतलब ये बुक कराने के बाद ऑर्डर लग गया, उसमें बनेगी गाड़ी पहले? हाँ, उसके बाद फिर डिस्पैच की लिस्ट आती है, उसमें गाड़ी का चेसिस नंबर होता है कि ये गाड़ी इस कलर की अब डिस्पैच हो गई है। फिर जो कस्टमर को अनलोड होती है, उनके फिर ट्रांजिट में आने के बाद ये 3 से 4 दिन का टाइम लगता है गाड़ी को आने में, आफ्टर गेटिंग चेसिस नंबर। मतलब ज़्यादा टाइम लगता है बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, आने में तो 3-4 दिन, आने में 3-4 दिन, वो भी XL6 सियाज इग्निस। अच्छा, बलेनो ग्रैंड विटारा, उसमें 10 दिन लगते हैं आने में। और यहीं से आती होगी गुड़गांव? बलेनो आती है गुजरात से। अच्छा अच्छा, और ग्रैंड विटारा आती है कर्नाटक। तो गुड़गांव से आने में एक घंटा लगा मैक्सिमम यहाँ तक आने में। मतलब आने में तो टाइम जो वहाँ से ट्रांजिट में दिखाता, पहले वो आती है वहाँ से, ड्राइवर लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ पर पीडीआई होती है, पीडीआई होने के बाद फिर शुरू होती है। तो वही गाड़ी फिलहाल चली हुई होगी कुछ किलोमीटर, कितने किलोमीटर लगभग? कहाँ से बॉर्डर से आएगी, जो आएगी यहाँ पर 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर तो चल के आएगी। चलो वही फिलहाल पीडीआई करते हैं गाड़ी की, उसके बाद जो एक्सेसरी लगवानी है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एक्सेसरीज है। तो वही आ चुके हैं हमारी XL6 के पास, अब करते हैं इसकी पीडीआई। और भाई आपकी मैंने एक निशान देखी इस पे, कहीं क्रैच लग रहा है, क्या लग रहा है? राहुल भाई एक बार ये बताओ, ये चोक है। होती है ना? हाँ हाँ, तो ये निशान लगा, सभी जगह है, यहाँ भी है, बारिश में आई है। जिस दिन बुकिंग करके गए थे इसकी, उस दिन भी बारिश थी, आज आए है तो भी बारिश है। चलो ये फटाफट चेक कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि कैमरा में अगर रिकॉर्ड करूँ एक चीज तो टाइम लगेगा बहुत। और भाई ये आ गया अपने पास अपनी XL की फिलहाल पीडीआई करते हैं। थोड़ा आगे सर करवा रहे हो गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे कंजस्टेड है जगह थोड़ी सी। बैठते हैं एक बार अंदर, जय श्री गणेश। गाड़ी के अंदर बैठी हुई नई गाड़ी जो सुगंध होती है वो आ रही है इसमें से, बिल्कुल जैसे डिजायर ला रही है उसमें भी ऐसी सुगंध थी, यहाँ पर भी वैसी ही खुशबू आ रही है। तो ये रहा इसका इंजन, नहीं आया सारी पीडीआई डन हो चुकी है इसकी, अब मेन काम कराते हैं इसमें एक्सेसरी का। क्या क्या एक्सेसरी आई है ये बता दो एक बार। मैट आ गया अंदर के, ये आपका डोर वाइजर आ गया, क्रोम वाला है, क्रोम इंसर्ट वाला, साइड की मोल्डिंग आ गई, रियर कैमरा आ गया, डोर सील गार्ड, ये लाइट वाली है, नॉर्मल लाइट वाली है ना। तो ये डोर सील गार्ड, स्नैक्स में लाइट, मतलब वायरिंग तो बिल्कुल छुप जाएगी, छेड़ नहीं है, ये सब अंदर आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट लग गया, ऐसे पूरा पार्ट चेंज हो जाएगा, जो पार्ट आपका निकलेगा वो इस बॉक्स में डाल दो, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े आपको। कैमरा ये वही वाला ना जो अल्फा वगैरह में आता अपना, टिकी वाला, पूरी वायरिंग होती है इसकी, कपलर दिया हुआ उससे। हाँ, वो वायरिंग पहले से प्री इंस्टॉल है इसमें। 1 ईयर वारंटी होती है इसका, वारंटी कार्ड है MGA। तो भैया इसका वारंटी कार्ड,
क्रोम गार्निशिंग वाले डोर वाइजर, ब्रांडिंग नहीं होती है ना, नहीं बॉक्स में आता ना, जेन्युइन एसेसरी जो लोकल हो, जेन्युइन में जरूरत नहीं है बॉक्स में नहीं होता। दो तीन चीज होगी भाई, इसकी कैमरा हो गया, डोर वाइजर हो गया, सिल्वर प्लेट होगी, और इसके बाद है ये साइड मोल्डिंग, ये है साइड मोल्डिंग क्रोम के साथ, जो ये दे रखी है इसके ऊपर। अब रहेंगे मैट, ये भाई इसके सारे मैट, ये भाई इसकी पूरी मैट, फ्रंट रियर और लास्ट, ये फ्रंट की फुल ड्राइविंग साइड का है, नेक्सा की ब्रांडिंग, ये सेकंड रो वो लास्ट, ड्राइविंग साइड वाला छोटा होता है, क्लच और ब्रेक में ना फंसे, तो ये चीज बना रखी भाई, किलाई बड़ी थी, बहुत अच्छी चीज दे रखी है, कंप्लीट हो गई अब, ये और कुछ नहीं है ना, एक डिक्की मैट आप कह रहे हो, डिक्की मैट ले, और डिक्की मैट थी एक, वो गार्निशिंग आपके पास है, अच्छा वो एक और लोशन, अब डिक्की मैट डलवा, एक वो हट गया, और दूसरा का कीचेन, कीचेन और टेंपल, कीचेन और टेंपल भी जाते हैं, हां एक बार दिखा दो, ये है डिक्की मैट, सेम क्वालिटी है ये वाली है, ये कीचेन है, तो ये है वो कीचेन, नेक्स्ट वाली लिखा हुआ इस पे, और इसकी कीमत क्या है, ये है 270 रुपये, 270 रुपये, तो ये है टेम्पल राधे कृष्णा, चलो भाई यही है टोटल एक्सेसरी जो भी बेसिक किट आती है इनको कराते हैं, इसमें एक चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं है यहाँ पे, तो बाद में देखेंगे, अब फटाफट इनको इंस्टॉल कराते हैं। जब तक मैं सारी चीजें दिखा रहा था यहाँ पे काम चालू हो चुका था, सिल प्लेट वगैरह खोल दिए हैं, क्या नाम है भाई, चीकू, चीकू, अच्छा भाई विराट कोहली हमारे साथ है यहाँ पे ये भाई का नाम भी चीकू है, और चीकू भाई ने यहाँ पे वायरिंग बिछा दी है, वो ये सब कुछ अंदर से ग्लोव बॉक्स वगैरह सब कुछ बाहर निकाल रखा है इसका वायरिंग के लिए, तो ये आगे इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखो कुछ ऐसी जो लुक है, सारी वायरिंग पहले से दे रखी है, इसमें कपलर टू कपलर सारा काम होगा, ये है डिग्गी की मैट, और अब देखो डिग्गी जो एकदम फ्लैट हो चुकी है, और भी वैसे पहले भी फ्लैट थी, लेकिन ये जो चीज थी पार्टीशन इसका वो भी चिप गया नीचे, और क्लीन सेटअप जो अब यहाँ पर लग रहा है, कैमरा भाई आप निकोन का कैमरा है, कैमरा भी डन हो गया, हो गया चालू, तो ये है बैक कैमरा की क्वालिटी, ओके ओके, आ गए डोर वाइजर, तो गैप इतना रहेगा, क्या गैप है, मैट की बारी, कितने सारे क्लिप वगैरह लग गए मैट के लिए, तो ये क्लिप लगी है देख लो मैट के लिए, ये बाहर से लगवा दिया क्लिप, कोई फंडा नहीं होता, बस मैट लो और डाल दो, यहाँ पे लगी क्लिप जिससे कि मैट जो फिटने की नहीं और एकदम प्रॉपर रहेगी, काम फुल हो गया, काम के भाई चेक भाई काम पूरा कंप्लीट कर दिया भाई ने, बढ़िया तरह, कुछ चीज रह गई वो भी करानी है, कुछ इस तरह की लाइटिंग जो देखने को मिलती है हमें सिल्वर प्लेट में, ये व्हाइट कलर में, नेक्सा की ब्रांडिंग, वैसे इसका पता चलेगा रात में ज्यादा, अब देखो तो व्हाइट लाइट जो दी गई इसमें, जो जो एक्सेसरी थी कंप्लीट हो चुकी है, अब ये रही लिस्ट, क्या क्या इसे लगाया है वो देखते हैं अब हम, 3D फ्लोर मैट ये हो गई, बॉडी कवर रखा जाएगा ठीक है, साइड मोल्डिंग ठीक है, डोर वाइजर लग गए, डोर सील गार्ड लग गए, नंबर प्लेट फ्रेम नंबर प्लेट के साथ लगेगी, अच्छा, अच्छा। और डिक्की मैट रख गए, तो ये सब चीजें कंप्लीट हो गई इसकी, और प्राइस ये सारी चीजें है 3 रुपए की, ये अपने एडजस्ट हो गए, अपने टेम्पल वगैरह जो नहीं लगे इनमें ये एडजस्ट हो गई, ये तो कंप्लीट हो चुकी है एक्सेसरी जो भी दी आगे लगते और ले जाते, और एक गार्निश भी नहीं है यहाँ पे, ये भी बाहर से लगवानी पड़ेगी हमें, ओके सिस्टम पूरा इसको लगाने के लिए, चलो भाई ये एक एक्सेसरी ये रहेगी थी इसकी, एकदम करेक्ट लगाइए दोस्त, तो यहाँ पे इतना गैप है इसमें, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप है ना इससे, Two thousand years later.
यहाँ की गार्निश वगैरह यहाँ पे नहीं है इनके पास, तो ये बाकी की चीजें बाहर से होंगी। तो वही एक्सेसरी का काम पूरा डन हो चुका है, स्पॉइलर गया, यहाँ पे ओरन लगाने का मना कर दिया इन्होंने, क्योंकि वारंटी कार्ड करा और ये काम करते भी नहीं। चिकू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, देख रहे बढ़िया काम करा इसने। पांडे जी आगे सारे बाकी। तो भैया अगला दिन और कल हम गाड़ी को घर पर ले आए थे, इसकी डिलीवरी हो चुकी है कल और आज हम जा रहे हैं इसका बाकी का जो काम बचा हुआ है इसकी एक्सेसरी का वो कराने के लिए। एक दो छोटी मोटी एक्सेसरी है वो लगवा लाते हैं क्रोल बाग से। गाड़ी के पहले 100 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं, 99 किलोमीटर जो पूरे हो चुके हैं ये देख सकते हैं आप। वही यहाँ पर हो चुके हैं 100 किलोमीटर पूरे, पहले 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं हमारी गाड़ी के। A few moments later. क्रोम गार्निश तो मिल गई हमें यहाँ पे, विंडो फ्रेम गार्निश ओरिजिनल नेक्सा की, और ये रेस के प्राइस वगैरह तो ये देखो, ये रहा मॉडल, ये इसका MRP। प्रोसेस शुरू हो चुका है, गार्निश लग गई अब है स्टीयरिंग की बॉडी, स्टीयरिंग कवर सिलवा रहे इसका ब्लैक कलर में। तो भी स्टीयरिंग कवर भी सिल चुका है आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया जो है यहाँ पर फिनिशिंग आई है, ये देखिए स्टिचिंग जो है एकदम परफेक्ट है यहाँ पर की गई है। चलो भाई अब ये कंप्लीट हो गया वीडियो, ये आपको देने वाला डिलीवरी वाले वीडियो के बाद, कुछ ही दिनों में आ जाएगा, फिलहाल चलते हैं घर पे।